अंदर से बाहर का दिखता है ओ लेते ये क्या रिकॉर्ड हो गया तो ये सामने है सेंसबरी। आज वीडियो को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम सोच रहे हैं कि मैं 10 पाउंड निकलवाऊंगा और 10 पाउंड से शॉपिंग करेंगे और चला गया कार्ड अंदर। ये हमारा प्लान है। फ्रेंड हाइड क्यों करनी पड़ेगी, दिख जाए किसी को। मैं ऊपर रखा थोड़ा कैमरा डाल दे। यहाँ से निकलेगा कैश, कैश ओनली। सेंसबरी बैंक लिखा हुआ दिख रहा है? नहीं, लाइट के कारण नहीं। हाँ दिख रहा है, फ्री है पता है, नहीं तो चार्ज लगता है। हाँ ये टेस्को और सेंसबरी के से फ्री विड्रॉल है। कहाँ आ जाएगी? तेरे फोन में हो जाए। 10 पाउंड निकल चुके हैं, कार्ड आ गया बाहर। कहाँ है 10 पाउंड? अच्छा ये 10 पाउंड। तो आज देखते हैं हम 10 पाउंड में सेंसबरी से क्या क्या खरीद सकते हैं, ट्राई करते हैं। तो मैं जितना इंफॉर्मेटिव वो इंफॉर्मेटिव दिखा सकें। ट्रॉली नहीं है यहाँ पे, इम्पोर्टेंट है अनियन। अनियन तुम ये वाले भी ले सकते हो, 95p के मिलते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बड़े बड़े हैं। तो एक ये पैकेट आता है यहाँ पे, ये थे 1 पाउंड। लोग अल्टी प्राइस मैच करते हैं, टेस्को भी अल्टी प्राइस मैच करता है। एक सस्ते का बेंचमार्क है। ऑनियन के बाद देखते हैं क्या लेंगे। तो फिर सेकंड हो गया अपना लेटस। इसके रेट्स क्या लिखे हैं? 25 सितंबर ये फ्रेश है, ये 70p का होगा अराउंड। दो आइटम हो गए। नेक्स्ट अगर तुम मिल्क लेते हो तो मिल्क मिलेगा तुम्हें 1.65 का। बैग ही नहीं, कोई नहीं, बैग ले लेंगे 30p, वो काउंट करेंगे ना। नेक्स्ट चलते हैं उस सेक्शन में जहाँ पे कर्ड मिलती है। कर्ड सबसे इम्पोर्टेंट है, ये देख। तो नेक्स्ट हमने ले लिया कर्ड, और उस कर्ड का प्राइस है 35p। देखो ये पूरा ब्रेड सेक्शन है, अराउंड 135 की मिलती हैं, लेकिन एक सबसे बेस्ट ब्रेड है ये रही। इससे बढ़िया ब्रेड मैंने आज तक नहीं देखी यहाँ पे, 1.30 की है ये वाली। और एक आई उसमें पिंक पैकेज सुपर सॉफ्ट, उसमें 18 सीट्स हैं, इसमें कितने हैं? तो आज ये ट्राई करते हैं। वैसे ये दोनों सेम ही है, इसमें सीन सीट ज़्यादा हैं। इसमें ये डाल दिए एक, मैं यहाँ पे लेने आया हूँ पनीर। ये रहा पनीर, देसी पनीर, वाओ। अगर मैं ये दो ले लूँगा तो हो जाएंगे 440 के। उसके बाद यहाँ लाइनें लगी, सेल्फ चेकआउट है। वैसे आज इतनी भीड़ नहीं है, नहीं यहाँ पे बहुत लाइन लगी होती है। खुद ही चेकआउट करना, अब सारे के सारे आइटम्स दिखाता हूँ तुम्हें। सिर्फ GoPro से ही हो गया काम। वही फैन मोमेंट हो गया था बहुत तगड़ा। सब्सक्राइबर मिल गए थे, सब्सक्राइबर। तो मेरा टोटल बिल बना है, वो बिल बना है 9.70। इसका भी दिखाता हूँ इसमें क्या क्या लिया। ऑलमोस्ट सेम आइटम्स लिए हमने, बस चिप्स का पैकेट ज्यादा लिया। किचन में जाके दिखाता हूँ क्या क्या आइटम्स लिए हैं। आवाज आ रही है कम, तो इसलिए जाते हैं रूम में, और रूम में जाके या किचन में जाके तुम्हें प्रॉपर अपडेट देते। तो मैं टोटल सामान जो लेके आया हूँ उसमें है एक ये ब्रेड, ब्रेड है 1.30 की, लेटस 70p, कर्ड 35p, अनियन 1 पाउंड, मिल्क 1.65 फॉर 2.27 लीटर, ये पनीर आए हैं 2.20 के, टोटल हो गया 4.40। तो ये थी कंप्लीट शॉपिंग मेरी, और ये टोटल शॉपिंग हुई है मेरी 9.70 में। तो लेकिन सबसे बेस्ट ये नहीं है, इससे बेस्ट अगर जाना है तो हम पास में लिडल है, और सब यहाँ पे है ना, टेस्को भी एलडी प्राइस मैच करते हैं क्योंकि एलडी सबसे बढ़िया प्राइस देता है। और मुझे 10 पाउंड से ज़्यादा बजट रखना पड़ेगा, है ना, थोड़ा कम लग रहा है। 10 पाउंड में तो कुछ भी नहीं आया, बहुत ही कम आया सही में। हाँ क्योंकि देख मैंने टमाटो नहीं लिया, टमाटो की कैंस नहीं मिलती यहाँ पे। अगली बार मुझे लिस्ट बनानी पड़ेगी जिससे मैं,
अगर मान लो मैं 2 दिन का ब्रेकफास्ट लंच डिनर करूं तो मैं कितने 10 पाउंड में कर सकता हूँ कि नहीं? 2 दिन का ब्रेकफास्ट लंच डिनर, अगली बार से मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा एलडी से जिसमें टमाटो कैंस वगैरह सब कुछ होंगे, क्योंकि टमाटो कैंस 2 दिन चल जाएंगी, कर्ड 2 दिन चल जाएगी, मिल्क चल जाएगा 2-3 दिन, और मिल्क की बॉटल छोटी ले लूँगा, 1 लीटर की, 1 लीटर की चल एक जाएगी, लीटर आता है 2 दिन 3 दिन चल जाएगा नॉर्मल पर्सन के हिसाब से। मेरे हिसाब से तो 3 लीटर 2 दिन में खत्म हो जाता है साडा भाई। तो वीडियो ठीक ठाक लगी हो तो जो करना है कर देना, और बाकी आज हमें सेंसबुरी में कोई हमारे फैंस भी मिल गए थे, वो फैंस कह रहे थे आपका यूट्यूब चैनल है, मैं कहा हमारे 134K सब्सक्राइबर्स हैं, के मैंने ऐसे आगे लगा दिया क्योंकि 133 थे सिर्फ, 134 थे। हाँ करते ही सब्सक्राइब बोलने में भी शायद ना छोड़ना, 50% तो नॉन सब्सक्राइबर है, लेकिन 50% सब्सक्राइब भी कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 260, इससे अच्छा नहीं बोलो तो ठीक है। मुझे भी ब्लॉग बनाना है पर मैं कैमरा शाय हूँ। हाँ वो बोल रही थी मैं कैमरा शाय हूँ, है ना, कोई नहीं हो जाएगा, टाइम लगेगा, हम भी अभी कैमरा शाय हैं, मुझे तो खुद लगता है मैं बाहर ले निकलता हूँ तो थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाता हूँ, पूरा सेटअप के साथ निकलता हूँ, मैं ट्राई करूँगा अगली बार सेटअप के साथ ही जाऊँ, इस बार भी मैं सिर्फ कैमरा लेके गया था, ये पूरा सेटअप नहीं लेके गया, और कल सुबह बहुत तगड़ी चीज़ आने वाली है वो तुम्हें कल सुबह पता चलेगी।